अभी तक दोस्तों पोकेमोन के 6 एनिमे सीरीज, 25 मैंगा सीरीज और 18 मूवी निकल चुके हैं, लेकिन आप अभी तक पोकेमोन के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते होंगे। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन वर्ल्ड में, और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट पहुंचा सके। दोस्तों ये टॉप 10 लिस्ट के लिए हम ऐसे फैक्ट्स को लिए हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 10, ऐश का नाम। The early bird gets the worm, or in this case, the Pokemon. दोस्तों हम सबको पता है कि पोकेमोन के सीरीज में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम एस कैचम है, लेकिन क्या आपको पता है जापानीज में एस कैचम का नाम सतोशी है, और ये नाम लिया गया है सातोशी ताजीरी से, जो कि पोकेमोन के क्रिएटर हैं। और तो दोस्तों फैक्ट की बात यह है कि सातोशी ताजीरी के गुरु का नाम शिगेरू मियामोटो है, जो कि मारियो के क्रिएटर है। नेक्स्ट दोस्तों नंबर 9 पे आता है मैग्नेटॉन का वेट। दोस्तों जब मैग्नामाइट विकसित होता है तब उससे और 2 मैग्नामाइट निकल आते हैं, जिसके वजह से वो मैग्नेटॉन में विकसित हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लॉजिकली बात करें तो मैग्नामाइट का वेट 13.2 पाउंड है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटॉन का वेट मैग्नामाइट से 3 गुना ज्यादा होगा। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि मैग्नेटॉन का वेट 132 पाउंड है, जो कि मैग्नामाइट से 10 गुना ज्यादा है। अभी दोस्तों नंबर 8 पे आता है पोकेमोन का नाम। दोस्तों ऑरिजिनली पोकेमोन का नाम कैप्सूल मॉन्स्टर दिया जाने वाला था, लेकिन सातोशी ताजीरी को ये नाम का ट्रेडमार्क करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके वजह से ये सीरीज बाद में पोकेमोन के नाम से जाना गया, और बाद में कैप्सूल मॉन्स्टर का टाइटल युगीहो के पास आ गया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एनिमे सीरीज है। अभी दोस्तों नंबर 7 पे आता है कॉफिंग और व्हीजिंग का नाम। कॉफिंग का विकसित रूप है व्हीजिंग, और ये दोनों पॉइजन टाइप पोकेमोन हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों को नाय और ला नाम दिया गया था। नाय का मतलब है न्यूयॉर्क और ला का मतलब है लॉस एंजेलस, क्योंकि दोस्तों ये दोनों सिटीज में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एयर पोल्यूशन होता है, जिसके वजह से पोकेमोन रेड एंड ब्लू बीटा गेम में ये दोनों पोकेमोन का नाम ऐसे दिया गया था। अभी दोस्तों नंबर 6 पे आता है स्लोब्रो का थ्योरी। दोस्तों स्लो पोक का विकसित रूप है स्लोब्रो। ये एक ऐसा पोकेमोन है जो डिवॉल्व हो सकता है, यानी वो स्लोब्रो से स्लो पोक में फिर से आ सकता है। पोकेडेक्स के एक एंट्री के अनुसार अगर स्लोब्रो के पूंछ से सेल्टर को हटा दिया गया तो वो फिर से स्लो पोक में डिवॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है पिकाचू का नाम। दोस्तों पिकाचू का नाम पीका पीका और चूचू वर्ड को कंबाइन करके लिया गया है। जापानीज में पीका पीका का मतलब है स्पार्कल यानी चमक, और चूचू का मतलब है स्क्वैकिंग साउंड इफेक्ट, यानी चूहे का चूचू वाला साउंड इफेक्ट। अभी दोस्तों नंबर 4 पे आता है पिकाचूरियन। दोस्तों 2008 में जापानीज रिसर्चर्स एक प्रोटीन का आविष्कार किए, जो कि आंखों से ब्रेन तक इलेक्ट्रॉनिक इंफल्स को लेके जाने में मदद करता है, और वो लोग इस प्रोटीन का नाम दिए पिकाचूरियन। ये नाम पिकाचू से लिया गया है। रिसर्चर्स के अनुसार ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो प्रोटीन के पास बिजली के जैसे तेज गति और शॉकिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। ये रीजन की वजह से ये प्रोटीन का नाम पिकाचू से इंस्पायर करके पिकाचूरियन दिया गया है। अभी दोस्तों नंबर 3 पे आता है हिटमोनचन और हिटमोनली का नाम। दोस्तों अमेरिकन वर्जन में हिटमोनचन का नाम इंस्पायर है जैकी चैन से, और हिटमोन ली का नाम इंस्पायर है ब्रूस ली से। अगर गौर से देखें तो दोनों के नाम में चैन चैन और लीली वर्ड सेम आ रहे हैं। इसी तरह दोस्तों जापानीज वर्जन में भी ये फंडा अपनाया गया है। जापानीज में हिटमोनचन का नाम है एडिवलार और हिटमोन ली का नाम है सावामुलार। एडिवलर का नाम इंस्पायर है हिरोकी इडिहारा से, जो कि एक जापानीज बॉक्सिंग चैंपियन है, और सावामुलर का नाम इंस्पायर है टाडाशी सापामुरा से, जो कि एक जापानीज किक बॉक्सर है। इसमें भी दोस्तों अगर गौर से देखें तो एडी और सावावार सेम सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है पिकाचू और म्याउथ हमेशा ऑपोजिट रहते हैं। A luxury ball.
दोस्तों पोकेमोन के एनिमे सीरीज में हम ये देखे हैं कि पिकाचू और म्याउथ ऑपोजिट साइड में होते हैं। जैसे कि पिकाचू हीरो टीम के साइड होता है जबकि म्याउथ विलन टीम के साइड होता है। ये दोनों का ऑपोजिट साइड और भी ज्यादा गहरा है। जैसे कि पिकाचू एक चूहा है और म्याउथ एक बिल्ली है जो कि इन दोनों को पूरा ऑपोजिट बनाता है। और हम सबको ये पता है कि चूहे बिल्ली का खेल बहुत ही पुराना है। इसी तरह दोस्तों पोकेडेक्स में पिकाचू का नंबर है 25 जबकि म्याउथ का पोकेडेक्स नंबर है 52 जो कि पूरी तरीके से 25 से ऑपोजिट है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है फर्स्ट पोकेमोन। दोस्तों फर्स्ट पोकेमोन के बारे में ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि फर्स्ट पोकेमोन पिकाचू है क्योंकि उससे सबसे पहले पोकेमोन के सीरीज में दिखाया गया है। और एक थ्योरी ये है कि फर्स्ट पोकेमोन बल्बसौर है क्योंकि पोकेडेक्स में उसका नंबर 1 पे है। और कुछ थ्योरी ये भी है कि फर्स्ट पोकेमोन आर्सियस है क्योंकि वो पोकेमोन वर्ल्ड का क्रिएटर है। और तो और एक थ्योरी और भी है, फर्स्ट पोकेमोन म्यू है क्योंकि वो सभी पोकेमोन का पूर्वज है और उसके डीएनए में सभी पोकेमोन का जेनेटिक कोड है। फर्स्ट पोकेमोन के बारे में ऐसे बहुत सारे थ्योरीज निकल के आते हैं, लेकिन रियल लाइफ में पोकेमोन के डिजाइनर्स ने सबसे पहले डिजाइन किया था रैडॉन को, जो कि उनका सबसे पहला डिजाइन किया हुआ पोकेमोन था। ये बात का खुलासा केन सिगुमोरी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है जो कि पोकेमोन के ओरिजिनल डिजाइनर हैं। लेकिन दोस्तों इसको सबसे पहले बनाने के बावजूद भी इसको पोकेडेक्स में 112 नंबर पे रखा गया है। तो दोस्तों यही था पोकेमोन के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा फैक्ट्स आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और दोस्तों ऐसे ही टॉप 10 वीडियोस के लिए प्लीज दोस्तों आप स्क्रीन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों हम आपसे वापस मिलेंगे किसी दूसरे नए वीडियोस में।